आज राष्ट्रीय सनातन सेना के तत्वाधान में राखी मंडी अफीम कोठी जग्गू बाबा मंदिर में राष्ट्रीय सनातन आरएसएस द्वारा हिंदुत्व जनसभा का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि महंत परम पूज अरुण चैतन्यपुरी रहे। अरुण चैतन्यपुरी ने हिंदुत्व के महत्व पर चर्चा के साथ ही राष्ट्रीय सनातन सेवा के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर अभिषेक प्रताप सिंह के साथ शिवम तिवारी दीक्षित अन्य पदाधिकारी क्षेत्रीय जनता भी मौजूद रही। इस दौरान अरुण चैतन्यपुरी ने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। आज ये कार्यक्रम करा गया है द्वारा, इसके लिए समुदाय क्या कर सकते हैं? ये सर्व समाज के उत्थान के लिए, सर्व समाज में समन्वय और प्रेम की स्थापना के लिए और भारतीय संस्कृति और सनातन मूल्य मान्य परंपराओं के वृक्षण संरक्षण के लिए बाबा जग्गू के चरणों में माता गंगा के तट पर कानपुर महानगर बसाई। आप जानते हैं कि कितना श्रेष्ठ शहर है और यहाँ पर सुंदर सा मंदिर है। अभिषेक प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में हम सभी लोग एकत्र हुए हैं और मुझे भी यहाँ पे आने और इन तमाम लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। निसंदेह मेरे लिए गौरवशाली फल है कि बहुत ही कला, शिक्षा, संगीत, धर्म, अध्यात्म, साहित्य, मीमांसा, न्याय, कर्मकांड के दर्शन से जुड़े हुए लोग, मतलब विशिष्ट लोग, इसमें डॉक्टर्स भी हैं और प्रोफेसर भी हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो चाहते हैं कि समाज में लोगों की जो पीड़ा, वेदना, कष्ट और कुंठा है उसको हरने का काम करें और लोगों के अंदर सुख समृद्धि कैसे स्थापित हो उसके लिए सब प्रयास कर रहे हैं, संकल्पित हैं। तो मुझे भी आना हुआ यहाँ पे आज, अच्छा लगा लोगों से, लोगों की भावनाएं जान के और समाज में जो विकृति है वो सभी देखें उसको दूर करके और कैसे परस्पर समन्वय बन सके समाज में, मठों, मंदिरों में, आश्रमों में। और हिंदू समाज जो कि बहुत उदार समाज है, बहुत ही स्वच्छ समाज है और दुनिया भर में चाहता है कि शांति और सौहार्द और प्रेम की स्थापना हो सके। तो मुझे लगता है कि हिंदू समाज एक समाज ऐसा है जो पूरी दुनिया में शांति, प्रेम, सौहार्द, करुणा, मैत्री की स्थापना कर सकता है। और इसलिए मेरे सम्मानित जो अभिषेक प्रताप सिंह जी हैं, इनका लगातार क्षेत्र की जनता की खुशहाली के लिए एक प्रयास रहता है। हमारे आदरणीय शिवम तिवारी जी और इस क्षेत्र के सभी जो सम्मानित लोग हैं, ये सभी इनके नेतृत्व में, इनके सहयोग भाई के रूप में, सहयोगी मित्र के रूप में, तो मित्र की बड़ी भूमिका है जीवन में। तो जय मित्र दुख हुए दुखारी तो नहीं विलोकत पातक भारी, तो भाई से श्रेष्ठ भूमिका मित्र की है। और मित्रवत हम सभी लोग यहाँ खड़े हुए हैं, तो जो अपने मित्र की पीड़ा से पीड़ित नहीं होते, जो अपने मित्र के दुख से दुखी होते, उनको देखने से काम लगता है। तो इसलिए हनुमान जी महाराज मित्र थे भगवान राम के, ऐसा उन्होंने कई बार कहा तो हृदय से लगाया। और इसलिए आप समझ सकते हैं कि मित्रवत सब लोग एक दूसरे के परस्पर प्रेम में आके और साथ में खड़े हैं। हम आपकी पीड़ा को कैसे हर सकें, इसके लिए सब उद्यत हैं, सब चाहते हैं कि एक दूसरे के हम काम आए, हम सहयोग करें, ऐसी भावना यहाँ पे आने के बाद हमको देखने को मिली। तो निसंदेह बहुत अच्छा समाज है, अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। कानपुर से मोहित गुप्ता की रिपोर्ट।